बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा कक्कर और उनके पति रोहन पीत आजकल सोशल मीडिया पर अपने शादीशुदा लाइफ को लेकर छाए हुए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि नेहा के बर्थडे पर रोहन के न दिखने की वजह से लोग बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नेहा अब रोहन के साथ नहीं रहती और जल्द ही रोहन से तलाक भी लेने वाली है। लेकिन क्या सच में रोहन और नेहा की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या फिर रोहन कुछ जरूरी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं? तो नेहा कक्कर और रोहन पीत के बीच हुए आपसी झगड़े या फिर नेहा के बर्थडे पर ना आने की असली वजह जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो आइए जानते हैं नेहा रोहन के अलग होने की वजह। नेहा कक्कर जो कि बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर हैं और उनके पति रोहन पीत जिन्हें नेहा की वजह से लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये क्या सुनने में आ रहा है कि नेहा कक्कर जैसी बॉलीवुड जानी मानी सिंगर और एक समझदार लड़की अपने पति रोहन पीत से गुस्सा होकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट वो अपने मायके वालों के साथ मना रही है और उन्होंने अपने बर्थडे पर रोहन को भी नहीं मिस किया। नेहा ने जिस प्रकार से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया उनको देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि नेहा और रोहन के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और रही बात अगर नेहा के बर्थडे पर रोहन के न आने की वजह, तो हो सकता है कि रोहन और नेहा के बीच छोटे मोटे झगड़े हुए हों, जैसा कि हर घर में पति पत्नी के बीच होते हैं। तो प्लीज आप लोग नेहा और रोहन के शादीशुदा लाइफ के बारे में गलत अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि हर रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक होती ही रहती है। और रही बात नेहा की, तो जैसे ही नेहा का गुस्सा शांत होगा वो रोहन के पास चली जाएंगी। दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी नेहा और रोहन के बारे में। बाकी जैसे ही कुछ और नेहा रोहन के बारे में पता चलेगी हम आपको अपने वीडियो के जरिए जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कितना चाहे चाहत की हद।